हेलो एवरीवन, कॉमर्स अध्ययन में हम देखने वाले हैं मटेरियल कॉस्ट अकाउंटिंग में वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। फाइंड आउट करेंगे क्लोजिंग स्टॉक फीफो मेथड के अकॉर्डिंग। फीफो मींस फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब है यहाँ पर पहले आना पहले जाना। मींस हम जो चीज़ सबसे पहले खरीदेंगे, जो भी मटेरियल हम सबसे पहले परचेज करेंगे, उसे हम सबसे पहले इशू करेंगे। ये है फीफो मेथड। इस पर मैंने सिंपल एंड इजी वीडियो बनाया था ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए कि इस मेथड को फॉलो करते हुए हम किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। वहाँ पर मैंने स्टोर लेजर अकाउंट नहीं बनाया था, नॉर्मली आपको समझाने की कोशिश की थी, तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। इस वीडियो में हम स्टोर लेजर अकाउंट बनाएंगे, प्रिपेयर करेंगे और उसके माध्यम से हम जानेंगे कि किस तरह से क्लोजिंग स्टॉक का जो कॉस्ट है ना उसे फाइंड आउट हम करते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक बाई फीफो मैथड। इस साइड मैंने मटेरियल परचेज्ड लिखा हुआ है एंड मटेरियल इशूड लिखा हुआ है, ठीक है। मटेरियल परचेज में डेट, यूनिट्स, रेट दिया हुआ है। डेट की बात करें तो 2 मार्च को 100 यूनिट्स परचेज हुई हैं 10 रुपये के हिसाब से, और 15 मार्च को 200 यूनिट्स परचेज की हमने 15 रुपीज़ के अकॉर्डिंग, एंड मार्च 20 को 100 यूनिट्स परचेज की हैं 20 रुपीज़ के अकॉर्डिंग, ठीक है। मटेरियल इशू की बात करते हैं तो ये जो मटेरियल इशू होता है, जो भी हमने सामान परचेज किया, जो भी मटेरियल परचेज किया हुआ है, उसी में से हम ज़रूरत पड़ने पर सामान को इशू करते हैं। डेट, यूनिट्स, रेट यहाँ पर इसलिए नहीं है, क्यों? क्योंकि परचेज़ किया हुआ ही यूनिट हम इशू करते हैं और इसी के रेट को फॉलो करते हैं कि कितने यूनिट्स हमने कितने रेट वाली इशू की हैं, ठीक है। तो मार्च 16 को 50 यूनिट्स इशू की गई हैं, मार्च 25 को 200 यूनिट्स इशू की गई हैं। फीफो मेथड में हम पहले हमने जो सामान परचेज किया था, जो मटेरियल परचेज किया है, अगर इशू की करना पड़ता है तो इस 50 यूनिट को इसमें से हम इशू करेंगे। ये जो 100 यूनिट्स दिख रही हैं इसमें से करेंगे, क्यों? क्योंकि सबसे पहले इसी को हमने परचेस किया है, तो इसी यूनिट को इशू किया जाएगा। जब ये फिनिश हो जाएगी तो हम नेक्स्ट यूनिट को यूज़ करेंगे, और अगर ये भी फिनिश हुई तो इस यूनिट को यूज़ करेंगे, और एट द एंड जो भी स्टॉक बच जाता है, जो भी यूनिट्स बच जाती हैं, वो होता है क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। फर्स्ट अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो स्टोर लेजर अकाउंट का ये फॉर्मेट आप देख सकते हैं। इसे हम, ये एक तरह का स्टेटमेंट होता है जिसमें आप अपनी सहूलियत के हिसाब से जो कॉलम हैं उनको बढ़ा सकते हैं या फिर कम कर सकते हैं, ज़्यादा कम कर सकते हैं। जैसे अगर आप पर्टिकुलर का कॉलम बनाना चाहें तो वो बना सकते हैं आप, ठीक है, अपने हिसाब से जो भी आपको आसान लगे। यहाँ पर मैं स्टार्ट करती हूँ कि देखिए, सबसे पहले जो डेट है वो है 2016 की बात हो रही है, मार्च 2 की, ठीक है ना। मार्च 2 को क्या हुआ है, सामान परचेज हुआ है। तो ये जो फॉर्मेट है इसमें देख लेते हैं, ये परचेज को हम कभी कभी रिसिप्ट भी बोलते हैं। रिसिप्ट कॉलम होता है ना ये वाला, ठीक है ना, ये जो रिसिप्ट कॉलम होता है यहाँ पर हम उसको शो करेंगे। जो भी हम मटेरियल परचेज करेंगे उसको रिसिप्ट के कॉलम में शो करेंगे। जो मटेरियल इशूड होगा हम उसको यहाँ पर शो करेंगे, और जो बच जाएगा वो यहाँ पर शो होगा, ठीक है। परचेज यूनिट्स, रेट, अमाउंट, इशूड यूनिट्स, रेट, अमाउंट, बैलेंस यूनिट, रेट, अमाउंट, ठीक है, इस तरह से हम करेंगे। 2 मार्च को हमने क्या किया था, परचेज़ किया। तो जो परचेज़ करेंगे इस रिसिप्ट कॉलम में हम शो करेंगे, ठीक है। रिसिप्ट का मतलब होता है जब आप सामान परचेज करते हैं तब वो आपके पास आता है, आपको रिसीव होता है, ठीक है। तो 100 यूनिट्स आपने परचेज़ की हैं 10 रुपये के अकॉर्डिंग, तो कितना हो गया, 1000 रुपीज़, ये हो गया आपका, ठीक है, 2 मार्च को। अब इस टाइम, इस डेट को तो कुछ भी इशू नहीं हुआ है तो कुछ भी नहीं शो करेंगे। अब जितना हमने इशू किया, सॉरी, जितना हमने परचेज़ किया, अब ये पूरी की पूरी इस डेट को बची हुई है यूनिट्स में से, यही बैलेंस यूनिट्स भी हमारी हो जाएंगी, ठीक है ना, क्लियर। सेकेंड, अब नेक्स्ट बात करते हैं, 2 मार्च हो गया, इसके बाद है 15 मार्च, ठीक है। सो 15 मार्च की भी बात करें हम यहाँ पर, तो यहाँ पर भी हमने 200 यूनिट्स परचेज़ की है 15 रुपीज़ के अकॉर्डिंग, अमाउंट आ जाएगा 3000, और 15 मार्च को भी हमने कुछ भी इशू नहीं किया है, तो इस डेट को भी जो ये क्लोजिंग स्टॉक है कितना रह जाएगा, बैलेंस यूनिट कितनी रह जाएगी, 200 के अकॉर्डिंग 15 रुपये के हिसाब से 3000 हो जाएगा, ठीक है, क्लोजिंग यूनिट्स, ये हो गई। अब अगर हम बात करते हैं इशू किया जाते हैं, देखिए 15 हो गया, उसके बाद 16 मार्च को 50 यूनिट्स इशू की गई हैं, कितनी की गई है, 50 यूनिट्स इशू की गई हैं। अब जब कभी भी ना कुछ चेंजेस हो जाए कि परचेज और इशू का
चेंजेस हो रहा है, तो एक लाइन आप अपनी सहूलियत के लिए छोड़ सकते हैं ताकि थोड़ा कन्फ्यूज़न ना हो, या फिर लाइन खींच सकते हैं। मैं एक लाइन छोड़ रही हूँ, मार्च 16 करती हूँ यहाँ पे, ठीक है। मार्च 16 को 50 यूनिट्स ईशू की गई हैं, मीन्स परचेस कुछ भी नहीं हुआ है स्टेट को, सिर्फ 50 यूनिट्स जो है वो ईशू की गई है। अब ये जो 50 यूनिट हमने ईशू किए, कहाँ से ईशू करेंगे, किस परचेस यूनिट्स को यूज़ करेंगे, जो सबसे पहले हमने परचेज़ की थी ये 100 यूनिट्स, ठीक है। ये देख रहे हैं ना, यहाँ पे भी है बैलेंस को हमने यहाँ पर ट्रांसफ़र किया। इस 100 यूनिट्स में से 50 यूनिट हम 10 रुपये के अकॉर्डिंग ईशू कर देंगे, कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा, ठीक है। अब अगर इस डेट को एट दैट टाइम या इस मोमेंट की बात करें हम, तो कितना हमारे पास अभी भी बैलेंस स्टॉक बचा होगा। ये 100 यूनिट्स थे जो सबसे पहले हमने परचेज़ किया था और ये बैलेंस थी। अब इसमें से हमने 50 यूनिट्स यूज़ कर ली हैं, तो कितनी रह गई होंगी, 50 यूनिट्स रह गई होंगी। तो अभी भी ये बैलेंस कितना है, 50 यूनिट्स बैलेंस है इस टाइम तक, मीन्स मार्च 16 कितना बैलेंस यूनिट रह गया होगा। तो 50 यूनिट्स तो फर्स्ट परचेज़ का और 200 यूनिट सेकेंड परचेज़ का जो हमने किया था, वो पूरी की पूरी अभी भी बची हुई हैं, बैलेंस है हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, यहाँ पर 16 मार्च हो गया, 16 मार्च और 20 मार्च है यहाँ पे। अब 20 मार्च को देखते हैं कि क्या हुआ है, ईशू हुआ है या परचेज़ हुआ है। तो परचेज़ हुआ, ये परचेज़ था इस साइड पे, मैंने बताया था आपको, ठीक है। ये है परचेज़ साइड, परचेज़ किया है आपने 20 मार्च को, कितनी यूनिट्स परचेज़ की हैं, 100 यूनिट्स परचेज़ की हैं। 100 यूनिट्स 20 रुपीज़ के अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा, 2000, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका यहाँ पर ये परचेज़। इस डेट को कुछ इशू हुआ, नहीं कुछ भी इशू नहीं हुआ, तो ऐसे कर देंगे हम। अब इस टाइम को भी हम थोड़ा सा ध्यान देंगे कि कितनी यूनिट्स बची हुई हैं हमारे पास, मीन्स मार्च 20 को कितनी यूनिट्स बची हुई हैं, मार्च 20 को। पहले तो ये बैलेंस ये भी है, लेकिन उससे पहले का भी बैलेंस है, ये 50 यूनिट यहाँ की फिर से हम यहाँ पर एज इट इज़ कॉपी करेंगे, क्योंकि ये भी पूरी की पूरी बची हुई हैं। 200 यूनिट्स भी बची हुई हैं 15 रुपीज़ के अकॉर्डिंग 3000 की, ठीक है। और ये तो अभी भी बची हुई ही हैं, तो मार्च 20 को हमारे पास इतनी यूनिट्स अभी भी बैलेंस हैं, ठीक है। ये हो गया। अब अगर हम बात करते हैं मार्च 25 को, मार्च 25 को 200 यूनिट्स ईशू की गई हैं, मार्च 25 को ईशू किया गया है। यहाँ पे मैं करती हूँ मार्च 25 को ईशू किया गया है, कुछ भी परचेज नहीं हुआ तो हम डैश कर देते हैं। मार्च 25 को कितनी यूनिट्स ईशू की गई हैं, 200। अब 200 यूनिट्स को हम पहले, हमें क्या करना है कि पहले हमारा जो फर्स्ट परचेज यूनिट्स है उसको पहले हमें यूज़ करना है, फिनिश करना है। तो फर्स्ट परचेज़ के अभी भी 50 यूनिट्स बची हुई हैं, तो पहले हम उस 200 यूनिट्स को ईशू करने के लिए 50 यूनिट्स हम यहाँ से ईशू कर देते हैं। कितने यूनिट्स, 50 यूनिट्स फर्स्ट परचेज़ यूनिट्स से ईशू कर देते हैं 10 रुपये के अकॉर्डिंग, कितना हो जाएगा, 500। 200 यूनिट ईशू करनी थी टोटल, 50 यूनिट्स हमने ईशू कर दी है, अभी भी रह गई हैं कितनी, 150 यूनिट्स। इस 150 यूनिट्स को हम सेकेंड परचेज यूनिट से यूज़ करेंगे, जो कि कितनी थी, 200। इसमें से हम कर सकते हैं 15 के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, कितना हो जाएगा, 2250, ये हो जाएगा आपका। तो 200 यूनिट इस तरह से हम ईशू कर देंगे 25 मार्च को, जो ईशू करना था, ठीक है। 50 यूनिट फर्स्ट परचेज यूनिट से, जो भी रह गई बची हुई थी हमारे पास, ठीक है ना, क्योंकि 50 यूनिट हमने यहाँ पर ईशू कर ली थी, 50 रह गई थी, उसी 50 को हमने ट्रांसफ़र करते करते हम यहाँ लेकर आए हैं, तो इसमें से ये 50 यूनिट यहाँ पर ईशू कर ली। 200 यूनिट्स ईशू करनी थी, 200 में से 50 यूनिट्स फर्स्ट परचेज से ईशू हो गई, और सेकेंड परचेज से 150 यूनिट्स ईशू हो गई हैं। अब यहाँ पर हम पता करते हैं कि कितना क्लोजिंग यूनिट्स बची होंगी, ठीक है ना, कितनी क्लोजिंग यूनिट्स होंगी। तो ये तो पूरी फिनिश हो गई, ये आपने यहाँ पर यूज़ कर ली, इसमें से भी 150 यूनिट्स कर लिया आपने ईशू, तो कितना रह गया होगा, 50 यूनिट्स यहाँ पर रह गया होगा, 15 रुपए के हिसाब से कितना हो जाएगा, 750। और ये जो लास्ट यूनिट्स है, लास्ट परचेस यूनिट, ये पूरी बची हुई है 20 रुपीज़ के अकॉर्डिंग, तो कितना हो जाएगा, 2000 यूनिट्स, ठीक है। अब अगर कोई पूछता है कि आपका क्लोजिंग यूनिट्स और उसका प्राइस कितना है, क्लोजिंग स्टॉक कितना है, तो आप क्या बोलोगे, हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक यूनिट वाइज है 150 ऑफ रुपीस 2750। इस तरह से हम शो कर देंगे स्टॉक, ठीक है, इस तरह से क्लोजिंग स्टॉक 150 ऑफ रुपीस
2750। इस तरह से हम फाइंड आउट करते हैं स्टोर लेजर अकाउंट प्रिपेयर करके क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है ना, उसकी कॉस्ट को फाइंड आउट करते हैं। फीफो मेथड में सबसे पहले हम जो परचेज करते हैं उसको सबसे पहले इशू करते हैं, और जब पहला परचेज यूनिट हमारा पूरा यूज़ हो जाता है तो हम सेकेंड परचेज यूनिट को इशू करते हैं, ठीक है, इस प्रकार से किया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे लीफो मेथड के अकॉर्डिंग किस तरह से हम प्रिपेयर करते हैं स्टोर लेजर अकाउंट को और यूनिट्स को इशू करते हैं। इस वीडियो में अगर मैंने आपको फीफो मेथड को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाई हूँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चैनल पर अगर नए विजिटर हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहें। And thank you so much for watching this video. मिलते हैं next video में, तब तक के लिए bye bye and take care.